हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली कि प्रेगनेंसी टाइम में कब सीढ़ियाँ चढ़ना सही है और कब सीढ़ियाँ चलना गलत है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं तब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम किसी भी काम को करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। अगर हम किसी से भी पूछेंगे प्रेगनेंसी टाइम कि सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए, तो सब यही मना करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहिए। लेकिन गाइज, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या कि कई ऐसे परिवार हैं जो कि फ्लैट्स में रहते हैं, कुछ पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पर वो लिफ्ट नहीं लगी हुई है, तो वो कैसे जाएंगे? वो आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको मार्केट जाना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर पूरा दिन ही 9th मंथ प्रेगनेंसी के अंदर घर पर बैठे रहेंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास वगैरह, और कुछ काम के लिए भी आपको मार्केट वगैरह भी जाना पड़ सकता है। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि कब सीढ़ियाँ चढ़ना सुरक्षित है और कब सीढ़ियाँ चढ़ना असुरक्षित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कब सीढ़ियाँ चढ़ना हमारे लिए सुरक्षित है। तो सीढ़ियाँ चढ़ना, सबसे पहला टिप है कि सीढ़ियाँ चढ़ना सुरक्षित तब है तब आप डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, आप नॉर्म की जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उस टाइम पर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी के अंदर फिर सीढ़ियाँ चढ़ना हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। और सेकेंड टिप है कि आप प्रेगनेंसी के अंदर कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अगर आप नॉर्मली 15 से 20 सीढ़ियाँ चल रहे हैं, नॉर्मली घर के अंदर 15 से 20 ही सीढ़ियाँ होती हैं, अगर आप 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम झट से ऊपर जाएंगे प्रेगनेंसी के अंदर, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और झट से ही नीचे उतर जाएंगे। पहले हम चढ़ते हैं, फिर कुछ काम करके आते हैं, फिर हम नीचे उतरते हैं। अगर आप ऐसे 15 से 20 सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी सीढ़ियाँ चढ़ने में, आपको कोई नुकसान नहीं होगा सीढ़ियाँ चढ़ने में। थर्ड टिप है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ने के कितने आदि हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गई तो आप जाके 10वें फ्लोर पर रहने लग गई और उसमें आप डेली प्रेगनेंसी के अंदर आप डेली सीढ़ियाँ इतनी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं उतरती हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़िए जितनी आप पहले चढ़ती थी। जैसे आपको नॉर्मल लाइफ के अंदर 15 से 20 सीढ़ियाँ हमारे घर के अंदर होती है तो हम वैसे चढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जाके 10th फ्लोर के ऊपर डेली इतनी सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं। अगर आपका फ्लोर पर कितना घर है भी तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है और फिर बीच में आराम कर लेना, फिर जाना है। और था कि आप जो सीढ़ियाँ चढ़ना है उसको नॉर्मल लाइफ की तरह लिए। ऐसा नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो गए, आपको फिट रहना है तो आप जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ना है, जल्दी जल्दी से उतर जाए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आराम आराम से सीढ़ियों पर चढ़ना है और आराम से उतरना है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आपको बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ना सुरक्षित है। 5 है कि ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, जल्दबाजी के अंदर सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने बताया, अगर आपका घर 10 फ्लोर पर भी है तो आप क्या करना है, आपको जैसे थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर आपको 2 मिनट आराम करना है, फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी, फिर 2 मिनट आराम करना है। आप ऐसे आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा कम सीढ़ियाँ चढ़ें। अगर आपका इतने ऊँचे फ्लैट के अंदर फ्लोर के अंदर घर है तो आप आराम से चढ़ सकती है। अगर आप ये 5 टिप अपनाएंगे, अगर आपको 5 तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ेंगी तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, आप आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब हम बात करते हैं ऐसे 5 टिप की जिसमें कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ना असुरक्षित है, आपके लिए खतरनाक है, आपके और आपके बेबी के लिए। सबसे पहले है कि अगर आपकी एज 32 से अबो हो या 35 से, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना बिल्कुल असुरक्षित है, बिल्कुल आपको कम सीढ़ियाँ चढ़ना। अगर आप 4 से 5 बार सीढ़ियों का यूज कर रहे हैं तो हो सके आप 1 ही 2 बार के अंदर आप सीढ़ियाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर। तो आपको करना क्या, सीढ़ियाँ कम यूज करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कम से कम सीढ़ियाँ यूज करिए, 1 से 2 बार में अपना जो भी काम आप अपना निपटा लीजिए। और सेकंड है कि अगर आपको फर्स्ट ट्रेमेस्टर के अंदर, मतलब फिर शुरू के 3 महीनों के अंदर कभी आपको ब्लीडिंग हुई है तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए असुरक्षित है, आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, आपका जो गर्भ है वो गिर भी सकता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम सीढ़ियाँ यूज करनी है, जितना हो उसके उतना कम यूज कीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो केस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको सीढ़ियाँ बहुत ही कम यूज करनी चाहिए। थर्ड है कि अगर आपके घर के अंदर रेलिंग नहीं है, अगर ऐसे आपकी जो सीढ़ियाँ उनके अंदर सीधा एक दीवार टाइप है, तो आपको सीढ़ियाँ
कम यूज करनी चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेलिंग्स की सहायता से हम अपने आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लेन दीवार टाइप होती है तो उसे थोड़ा सा उतरने में हमें दिक्कत हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा पैर वगैरह फिसल सकता है, तो हमें बड़ा ही ध्यान से उतरना चाहिए और कम से कम सीढ़ियों का यूज करना चाहिए। और फोर्थ है कि अगर आपने को डॉक्टर ने मना किया है, आपको बिल्कुल बेड रेस्ट दिया गया है, कई प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर फुल रेस्ट देते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप बिल्कुल ही अवॉइड करें सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तभी तो डॉक्टर आपको बेड रेस्ट दे रहे, तो इसके अंदर आपको सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, असुरक्षित हो सकता है। फिफ्थ चीज़ है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है लेकिन आपको सीढ़ियों में चढ़ने में एनर्जी फील हो रहा है, अगर आपको उल्टियाँ चक्कर आने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए, आपको सीढ़ियाँ बहुत कम यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको उल्टियाँ वगैरह आपको चक्कर आ सकता है, तो इसके लिए आपको सीढ़ियाँ कम यूज करना चाहिए। तो गाइज ये थे ऐसे 5 टिप्स जिसमें आपको सीढ़ियाँ चढ़ना असुरक्षित। तो गाइज ये था कि हमें सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिए, कब सुरक्षित है सीढ़ियाँ चढ़ना और कब असुरक्षित है। तो ऐसे मैंने आपके 5 चीज़ें बताई कि जिसमें आपको सीढ़ियाँ चढ़ना सुरक्षित, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आपसे 2 से 4 बार आपको सीढ़ियाँ चढ़ना, 15 से 20 सीढ़ियाँ हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है सीढ़ी चढ़ना। और पैसे मैंने 5 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके अंदर आपको सीढ़ियाँ चढ़ना असुरक्षित है। तो अब आपको देखना है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, और जितना हो सके अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय कीजिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अपने बेबी का भी। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।